हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम 7th क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट से लेकर 6th पार्ट तक सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया है स्टूडेंट्स फाइंड, और फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 7/3 डिवाइडेड बाय 2, यानी हमें 7/3 को डिवाइड करना है 2 से। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है स्टूडेंट्स कि जब भी आप दो ऐसे नंबर्स को डिवाइड करें जिनमें से अगर एक नंबर भी फ्रैक्शन में है तो हम कौन सा मेथड यूज करते हैं। एक तो हम इस डिवाइड को चेंज कर देते हैं मल्टीप्लाई में, और डिवाइड की राइट साइड में जो नंबर होता है इसका हम रेसिप्रोकल लेते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले तो हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर एज इट इज लिख लिया है, 7/3 डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये 7/3 यहाँ पर एज इट इज आ गया, डिवाइड को हमने चेंज किया मल्टीप्लाई में, और 2 का रेसिप्रोकल यहाँ पर हमने लिखा 1/2। देखिए स्टूडेंट्स, 2 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ 1 होता है। तो जब हम 2/1 का रेसिप्रोकल करते हैं तो ये 1 ऊपर चला जाता है और 2 नीचे आ जाता है, तो 2 का रेसिप्रोकल हुआ 1/2। अब यहाँ पर हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 × 1 7 होता है तो यहाँ न्यूमरेटर में 7 आ गया, 3 × 2 6 होता है तो यहाँ डिनोमिनेटर में 6 आ गया। तो अब हम कह सकते हैं कि जब हमने 7/3 को डिवाइड किया 2 से तो हमें आंसर मिला 7/6। अब हम सेकेंड पार्ट करेंगे। सेकेंड पार्ट में हमें दिया गया है 4/9 डिवाइडेड बाय 5। तो इसके सॉल्यूशन में पहले तो हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर एज इट इज लिख लिया है, 4/9 डिवाइडेड बाय 5। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये 4/9 तो यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा, डिवाइड को हम चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, और 5 का रेसिप्रोकल हम यहाँ पर लिखेंगे। 5 का रेसिप्रोकल होता है 1/5, तो यहाँ पर हमने लिखा 1/5। अब हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो 4 × 1 4 होता है तो यहाँ न्यूमरेटर में 4 आ गया, और 9 × 5 45 होता है, यहाँ डिनोमिनेटर में 45 आ गया। तो अब हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि जब हमने 4/9 को डिवाइड किया 5 से तो हमें आंसर मिला 4/45। अब हम थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है 6/13 डिवाइडेड बाय 7। तो सबसे पहले तो सॉल्यूशन में हमने इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया है, 6/13 डिवाइडेड बाय 7। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये 6/13 यहाँ पर एज इट इज आ गया, डिवाइड के साइन को हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया, और 7 का रेसिप्रोकल होता है 1/7, तो यहाँ पर हमने 7 का रेसिप्रोकल लिख दिया है 1/7। अब हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 × 1 6 होता है तो यहाँ न्यूमरेटर में 6 आ गया, 13 × 7 91 होता है तो यहाँ डिनोमिनेटर में 91 आया। अब हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि जब हमने 6/13 को डिवाइड किया 7 से तो हमें आंसर मिला 6/91। अब हम फोर्थ पार्ट सोल्व करेंगे। फोर्थ पार्ट में हमें दिया गया है 4 × 1/3 डिवाइडेड बाय 3। तो इसके सॉल्यूशन में पहले तो हमने इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया है, 4 × 1/3 डिवाइडेड बाय 3। अब यहाँ ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ये जो हमें मिक्स फ्रैक्शन दिया गया है पहले हम इसको चेंज करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। देखिए 3 × 4 = 12, 12 + 1 = 13 होता है तो यहाँ न्यूमरेटर में 13 आ गया, अपॉन में 3 है तो वो अपॉन में 3 यहाँ पर एज इट इज आ गया, डिवाइड का साइन एज इट इज, 3 एज इट इज। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स कि हमने आपको ये बताया है कि जब भी आप दो ऐसे नंबर्स को डिवाइड करते हैं जिनमें से अगर एक भी फ्रैक्शन में है तो उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं। एक तो हम इस डिवाइड को चेंज कर देते हैं मल्टीप्लाई में, और डिवाइड की राइट साइड में जो नंबर होता है उसका रेसिप्रोकल लेते हैं। तो ये 13/3 तो यहाँ पर एज इट इज आ गया, डिवाइड को हमने चेंज किया मल्टीप्लाई में, और 3 का रेसिप्रोकल होता है 1/3, तो यहाँ पर हमने 3 का रेसिप्रोकल लिखा 1/3। अब हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 13 × 1 13 होता है तो यहाँ न्यूमरेटर में 13 आ गया, 3 × 3 9 होता है तो यहाँ डिनोमिनेटर में 9 आ गया। तो अब हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि जब हमने 4 × 1/3 को डिवाइड किया 3 से तो हमें आंसर मिला है 13/9। अब हम फिफ्थ पार्ट करेंगे। फिफ्थ पार्ट में हमें गिवन है 3 × 1/2 डिवाइडेड बाय 4। सबसे पहले तो इसके सॉल्यूशन में हमने इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया है, 3 × 1/2 डिवाइडेड बाय 4। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, हमें इसको पहले चेंज करना होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। देखिए 2 × 3 = 6, 6 + 1 = 7 होता है तो यहाँ पर न्यूमरेटर में 7 आ गया, अपॉन में 2 है तो वो अपॉन में 2 यहाँ पर एज इट इज आएगा, डिवाइड का साइन एज इट इज, और 4 एज इट इज।
अब यहां पर हमने 7/2 को तो एज इट इज रखा, डिवाइड को चेंज किया मल्टीप्लाई में, और 4 का रेसिप्रोकल होता है 1/4, तो यहां पर हमने 4 का रेसिप्रोकल लिया 1/4। अब हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो 7 × 1 7 होता है, तो यहां न्यूमरेटर में 7 आ गया। 2 × 4 8 होता है, तो यहां पर डिनोमिनेटर में 8 आ गया। तो जब हमने 3:1/2 को डिवाइड किया 4 से, तो हमें आंसर मिला स्टूडेंट्स 7/8। अब हम सिक्स्थ पार्ट को सोल्व करेंगे। सिक्स्थ पार्ट में हमें दिया गया है 4:3/7 डिवाइडेड बाय 7। सबसे पहले हमने इसके सॉल्यूशन में इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो मिक्स फ्रैक्शन हमें गिवन है, पहले हम इसे चेंज करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। देखिए 7 × 4 = 28, 28 + 3 = 31 होता है, तो यहां पर न्यूमरेटर में 31 आ गया, अपॉन में 7 है, तो वो यहां पर एज इट इज आ गया। डिवाइड का साइन एज इट इज, और ये 7 भी एज इट इज। अब देखिए इस 31/7 को यहां पर हमने एज इट इज रखा, डिवाइड को चेंज किया मल्टीप्लाई में, और इसके बाद 7 का रेसिप्रोकल होता है स्टूडेंट्स 1/7, तो यहां पर हमने 7 का रेसिप्रोकल लिया 1/7। अब हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 31 × 1 31 होता है, तो यहाँ न्यूमरेटर में 31 आया। 7 × 7 = 49 होता है, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 49 आया। तो जब हमने 4:3/7 को डिवाइड किया 7 से, तो हमें आंसर मिल गया है 31/49। आई होप स्टूडेंट्स, आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।